बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि खबर कांकेर से है, जहां पर पंखाजोर थाना से महज 3 किलोमीटर दूरी पर नक्सलियों ने बैनर बांधे। पंखाजोर से कांकेर जाने वाली मुख्य सड़क पर नक्सलियों ने बैनर लगाए, जिसमें पार्टी ने के 18वीं वर्षगांठ को देशभर में क्रांतिकारी उत्साह और संकल्प के साथ 21 से 27 तक मनाने की बात लिखी हुई है। वही राजनीति समाधान प्रहार हमलों को हटाएं और क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ाएं। इसके अलावा हिंदुत्व फांसीवाद के खिलाफ जुझारू आंदोलन का निर्माण करें। हालांकि पंखाजोर पुलिस ने बैनर को जब्त कर लिया है। पता नहीं, मैं तो पुलिस आ रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर बिलासपुर से है, जहां पर गणेश समितियों के सम्मान समारोह में शामिल होने संत कालीचरण महाराज आने वाले हैं, लेकिन उनके आने के पहले ही भगवा ब्रिगेड ने जमकर बवाल मचाया और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इधर हंगामा और बवाल होने की जानकारी मिलते ही पुलिस अफसर और जवान मौके पर पहुंच गए और वहीं हंगामे और विवाद के बाद प्रशासन ने कालीचरण को कार्यक्रम से दूर रखने की शर्त पर कार्यक्रम में अनुमति दी है। इस आयोजन में पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल की मौजूदगी में कार्यक्रम देरी से शुरू कराया। मामला कुछ ऐसा था कि हमने जो है 23 तारीख को एक जगह बुक किया हुआ था, जिसमें जो है पूरे शहर भर के गणेश समितियां हैं, उनको सम्मान देने का हम लोग का कार्यक्रम था। और सम्मान देने के बाद ये रहा कि हमको पता चला कि कल अचानक 4 बजे इन्होंने कहा कि आप इस जगह के लिए परमिशन लेके आइए। अब परमिशन लेके आइए मतलब ये स्थिति है कि भाई आप इतने समय रुक कर आज अचानक हमको क्यों बोल रहे हो कि परमिशन लेके आइए, है ना। तो उसके बाद हमने कहा कि भाई हमने तो ऑलरेडी तहसीलदार को जो है सूचना रिपोर्ट आपके कहने पर दे रखा है, और तहसीलदार के सूचना रिपोर्ट देने के बाद इन्होंने उसको नहीं माना। आज हम अचानक आए यहाँ पे, इन्होंने गेट लगा रखा है, ताला लगा रखा था, जबकि हम गेट के द्वारा ये लकीराम ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित किया जाना था, और जिसके लिए गेट नहीं खोला गया था क्योंकि उनको प्रशासन से परमिशन नहीं मिली थी। प्रशासन से परमिशन मिलने के बाद उनको गेट खोल दिया गया है और अपने कार्यक्रम करने के लिए चले गए। खबर बिलासपुर से है, जहां पर साल 2019 में हुए विराट अपहरण कांड के सभी दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं 6 साल के मासूम विराट के अपहरण की साजिश उसकी बड़ी मां ने ही रची थी। पुलिस ने इस केस में विराट की 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में 5 साल बाद फैसला आया है। देखिए, ये 2019 की घटना थी, अप्रैल 2019 का, और इसमें एक बच्चे का जो विराट शराफ है उसका बिलासपुर करबला भाजपा कार्यालय के पास जो निवासी है उसका अपहरण था। प्लानिंग की कि बच्चे का जो रिलेटिव है उनका अपहरण किया जाए, और उस प्लानिंग के तहत ये शाम को करीब 19 अप्रैल को 8 बजे के लगभग भाजपा कार्यालय से बैगन आर में जो है आरोपीगढ़ के द्वारा उसका अपहरण किया गया। खबर कटगोरा से है, जहां पर 2 दिन पूर्व अहिरा नदी में संदिग्ध हालत में मिली अधेड़ व्यक्ति की लाश की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि अधेड़ व्यक्ति की लाश की पहचान फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के आलू व्यवसायी के रूप में हुई थी। आलू का व्यापार करने वहां कटगोरा आया करता था। मृतक आलू व्यापारियों ने काम करने वाले कर्मचारियों के साथ मिलकर शराब पी और किसी बात को पर विवाद होने पर आरोपियों द्वारा गला घोट कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। फिर डर से शव को अपने घर पर रखने के बाद शव को अहिरन नदी में फेंक दिया गया। पुलिस की सूचना मिलने पर जांच में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ में आरोपियों द्वारा हत्या करना स्वीकार किया गया। मृतक के मोबाइल से आरोपियों तक पहुँचने में पुलिस ने सफलता पाई। थोड़ा निगर था, थोड़ा सा थोड़ा सा। कितने सेकंड का बनाएगा? मात्र 12-15 सेकंड। 15 सेकंड का ना, दिनांक 19/9/2022 को सूचक धर्मेंद्र सिंह द्वारा कटोरा थाना में आकर बताया गया कि किसी व्यक्ति की लाश जो है अहिरन नदी में मिली हुई है, और ये उसके किसी परिचित व्यक्ति का है जो कि थाना माखनपुर जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, और आलू के व्यापार के नाम से वह उत्तर प्रदेश से कटोरा आया जाया करता था। सूचक की सूचना पर मरकुंडी मिशन यहाँ कायम कर जो है
मामले की विवेचना कटोरा थाना पुलिस द्वारा प्रारंभ कर दी गई। बॉडी का शव पंचनामा किया गया और पोस्टमार्टम डॉक्टरों द्वारा कराया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर लक्ष्मणगढ़ से है, जहां पर बलारा इलाके के रिड़ु गांव में 2 माह पूर्व हुई चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी बाबला लाल मीणा ने बताया कि रिड़ु गांव में महेश कुमार तथा नजीर खां के घरों में 18 जुलाई को देर रात अज्ञात चोर घुसकर कीमती सामान चुरा ले गए थे। इस मामले में बलारा पुलिस ने 3 आरोपियों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश से जेल भेज दिया था। मामले में शेष आरोपी खंडेला थाना इलाके की मांझी की ढाणा मतन गोविंदपुरा निवासी अशोक कुमार जाट को पुलिस ने शुक्रवार को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ बलारा व खंडेला थानों में पहले से कई मामले दर्ज हैं।